इरफान खान ने 2018 में अपनी फिल्म ब्लैकमेल की रिलीज होने से ठीक पहले बताया था कि वो गंभीर रूप से बीमार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। उन्हें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर नाम की एक रेयर बीमारी थी। एक साल तक लंदन में इलाज कराने के बाद वो फरवरी 2019 में इंडिया लौटे थे। लौटने के बाद ही इरफान खान ने अपने काम को मतलब वापस से करना शुरू कर दिया। फिल्म थी 2017 में आई हिंदी मीडियम की सीक्वल अंग्रेजी मीडियम। अब उसका काम वाम निपट चुका है, बस फिल्म के ट्रेलर का इंतज़ार हो रहा है। लेकिन ट्रेलर से ठीक पहले इरफान का एक वीडियो आया है। इसमें वो मज़ेदार तरीके से काफ़ी इमोशनल बातें कर रहे हैं। ये वीडियो अंग्रेजी मीडियम के प्रोड्यूसर मैडॉक फिल्म्स के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। इसमें इरफान बता रहे हैं कि उनके लिए ये फिल्म बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें उन्होंने जीवन के सबसे कठिन दौर में काम किया है। वो इसे उतने ही प्यार से प्रमोट भी करना चाहते थे लेकिन अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। उनके शरीर में कुछ अनवांटेड गेस्ट्स यानी बिन बुलाए मेहमान अभी भी हैं। उनसे निपटने पर काम चल रहा है, इसलिए वो इस फिल्म के प्रमोशन से दूर रहेंगे। जिंदगी जब आपको नींबू दे तो उसकी शिकंजी बना लेनी चाहिए, इस कहावत को उन्होंने खुद के साथ जोड़ दिया। वो कहते हैं जब आपको ज़िंदगी नींबू दे तो उसकी शिकंजी बनाना इतना भी आसान नहीं होता। हालांकि वो पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपनी जंग जारी रखे हुए हैं। जाते जाते कह गए कि मेरा इंतज़ार करिएगा। ये सब उस भाव से कहा जा रहा था जैसे कहने वाले के भीतर कुछ बदल गया हो, एक समझदारी भरा खलिंदड़पन था, साथ में पॉजिटिविटी से भरा एक मैसेज जिसे बार बार सुनने का मन करता है। ये सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। साथ में अंग्रेजी मीडियम का एक पोस्टर भी रिलीज़ किया गया है। इस पोस्टर में इरफान ब्रिटेन की महारानी के गार्ड की वेशभूषा में नज़र आ रहे हैं और उनकी बेटी के रोल में राधिका मदान है, जो स्कूल जाने वाली बच्ची के लुक में उनसे प्यार जताती नज़र आ रही हैं। फिल्म में इरफान और राधिका के अलावा करीना कपूर खान है, डिम्पल कपाड़िया हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, दीपक डोबरियाल और रणवीर शौरी जैसे एक्टर्स भी हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं होमी अदजानिया। होमी से पहले कॉकटेल और फाइंडिंग फैनी समेत तीन फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि अंग्रेजी मीडियम का ट्रेलर 13 फरवरी को आएगा और फिल्म की रिलीज डेट है 20 मार्च 2020। क्या बात है, 20-20। अब आप जाइए स्टोरी के लिंक में जाकर इस वीडियो को देखिए जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स खुला है। सिनेमा जगत की और खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। द लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।